नेशनल लीगल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य पे हमने बहुत एक्टिविटीज का ऑर्गेनाइजेशन किया था, जिसमें हमारे एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल साहब और हाई ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली से अदर जजेस भी आए। और जैसा आप देख रहे हैं कि एक हॉट एयर सस्पेंडेड बैलून जो यहाँ राहुल गांधी कॉम्प्लेक्स में रिलीज किया गया है, जो प्राइमरी लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने एक मोबाइल लीगल एड एंड एडवाइस वैंस का अलॉन्ग विद ऑटो अराउंड 100 ऑटो को दिल्ली के उनको अपने एक ऑटो रैली को फ्लैग ऑफ किया, जिसमें सब ऑटोज के बैक पर और मोबाइल वैंस पर दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एडवर्टाइजमेंट पेश किया गया है। तो ये ऑटोज दिल्ली में जगह जगह जाएंगे तो लोगों में जागरूकता फैलेंगे। और हमारी जो लीगल एड एंड एडवाइस वैंस हैं, ये हमने प्लान किया है कि दिल्ली में कई जगह ये स्टेशन रहेंगी डिफरेंट मौके पे, लोगों इसमें हमारे लीगल एड काउंसिल मौजूद रहेंगे, जिससे हम लोगों के घर तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का निदान कर सकें, उनको एडवाइस दे सकें और लोगों में जागरूकता फैला सकें कि मुफ्त कानूनी सलाह उनका अधिकार है और हमारा कर्तव्य है। उसके साथ ही हमने इंफॉर्मेशन बोर्ड का और PSLSA में इनोग्रेशन किया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमने कार्य शुरू किया है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी एक 24/7 हेल्पलाइन है 1516, जो अभी तक फ़ोन कॉल के माध्यम से उपलब्ध थी, अब हमने इसे वीडियो लिंक के जरिए भी उपलब्ध करा दिया। अगर किसी व्यक्ति को वीडियो लिंक के जरिए कोई सहायता लेना चाहता है, एडवाइस लेना चाहता है, तो हमारे लीगल एड काउंसिल 10 से 5 में अवेलेबल रहेंगे और वो लिंक हमारी वेबसाइट पर लाइव होगा। आप उसे लॉग इन करके हमारे जो लीगल एड काउंसिल होंगे वो आपको आपकी ज़रूरत के मुताबिक एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हमने अपने पिछले 6 महीने की गतिविधियों के बारे में एक एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जिसको हमारे ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन साहब ने इनॉग्रेट किया और 4 दिन तक ये राउल गांधी बोर्ड में रहेगी। और इसके बाद हमारे ये एग्जीबिशन दिल्ली की डिफरेंट लोकेलिटीज़ में भी हम इस एग्जीबिशन को लगाएंगे, जिससे लोगों को हमारी एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारे बारे में, हमारी अथॉरिटी के बारे में, हमारे क्या कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में जानकारी हो सके। सर, जिस तरीके से जो लीगल सर्विस अथॉरिटी प्राइवेट में बड़ी महंगी है, क्या आप लोग किस तरीके से लोगों को प्रोवाइड कराते हैं और कितने लोगों का जो है आप लोगों से संपर्क करते हैं? देखिए, सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट के 14 कैटेगरीज हैं, जिसमें मुख्यतः ऑल वुमेन की बिना किसी आय की सीमा के सभी बच्चे, 18 साल तक के बच्चे, ट्रांसजेंडर्स, एसिड अटैक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स, सीनियर सिटीजन जिनकी एनुअल आय, वार्षिक आय 4 लाख तक है, और कोई भी अन्य व्यक्ति जिसकी मासिक एनुअल आय 3 लाख की, वो मुफ्त कानूनी सहायता के लिए हकदार है। जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे फ्रंट ऑफिस में जो हर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में स्थित है या किसी हमारी 1516 के माध्यम से हमें अप्रोच करता है, हम उसकी समस्या को सुनते हैं और जैसा भी उसका कानून में निदान है, अगर हमें कोई केस फाइल कराना है उसके हो सकता है, तो उसके लिए हम मुफ्त कानूनी सब उसको प्रोवाइड करते हैं। हम जो वकील साहब हैं हमारे पैनल्स पे हैं, उनकी सहायता उन्हें हम दिलवाते हैं और उनको उन्हें कोई पैसा नहीं देना होता है, निःशुल्क सेवा है। उन वकील साहब को दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी पे करते हैं।